चलाया जा रहे हैं। प्रिवेंटिव विजिलेंस अभियान अपने अंतिम चरण में है। मैं इस अभियान की सराहना करती हूँ। जैसा कि हमें ज्ञात है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। अग्रणी राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल एक कुशल प्रशासक भी थे। सरदार पटेल के आदर्श से देशवासियों को राष्ट्र निर्माण हेतु कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। देवियों और स्वजनों, हमारी संस्कृति में नैतिक जीवन को सार्थक एवं सफल जीवन माना जाया गया है। महान दार्शनिक और कवि तिरुवल्लुवर ने बिना किसी को क्षति पहुंचाए और जीत धन को आनंद का स्रोत बताया है। हमारे समाज में सत्यनिष्ठा और अनुशासन को जीवन का आदर्श माना गया है। लगभग 2300 वर्ष पहले मेगास्थेनिस ने भारतीय लोगों के बारे में लिखा है कि वे अनुशासनहीनता नापसंद करते हैं और कानून का पालन करते हैं। उनके जीवन में सरलता और मितव्यता है। इसी तरह से पैयान ने भी हमारे पूर्वजों के बारे में उल्लेख किए थे। इस परिप्रेक्ष्य में सीबीएसई द्वारा इस वर्षों की गतिविधियों के लिए चुना गया सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि विषय अत्यंत उपयुक्त है। देवियों और स्वजनों, विश्वास या ट्रस्ट सामाजिक जीवन का आधार है, एकजुटता का स्रोत है और संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। सरकार के कार्य और कल्याणकारी योजना में जन विश्वास से भी शासन को शक्ति मिलती है। भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगति के लिए अवरोध तो है ही, ये समाज में विश्वास को भी कम करता है। इससे लोगों के बीच में बंधुता कम होती है। इसका व्यापक प्रयास देश की एकता और अखंडता पर भी पड़ता है। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर हम देश की एकता और अखंडता अक्षुण रखने का संकल्प लेते हैं। ये एक रिचुअल मात्र नहीं है, ये एक गंभीर प्रतिज्ञा है। इसको निभाने का सामूहिक दायित्व हम सबका है। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस बीमारी की जड़ तक जाना होगा। केवल सिम्टम्स के जरिए इसे ठीक करना प्रभावी नहीं होगा। भारतीय समाज के शाश्वत मूल्य ऐसे सत्यनिष्ठा, सदाचार, करुणा और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना होगा। इन जीवन मूल्यों को और अधिक सींचने तथा मजबूत करने की आवश्यकता है। अक्सर आप समाचार पत्रों में और अन्य संचार माध्यमों से जानते सुनते होंगे कि ट्रेन में किसी व्यक्ति ने अपना सामान छोड़ दिया और किसी गरीब व्यक्ति ने वो सामान पुलिस को सौंप दिया। ये व्यक्ति चाहता तो उस सामान को अपने घर ले जा सकता था, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी उसे सही गलत की पहचान है। ये नैतिकता ही भारतीय समाज का आदर्श है। जब कुछ लोग अच्छे जीवन का मानक सिर्फ बंधुओं तो धन व संपत्ति का संग्रह मानने लगते हैं, तो ये इस आदर्श से भटक जाते हैं, जिसके लिए वे भ्रष्ट कार्य का सहारा लेते हैं। जीवन का मुख्य मूलभूत आवश्यकता को पूरा करके आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने में है। मैं जनजातीय समाज से आती हूँ। मैंने देखा है कि सीमित संसाधनों में भी जनजातीय समाज के लोग प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं और अपना जीवन सुख से जीते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों की नियति हमेशा बुरी होती है। वे कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। वे हमेशा इस भय में रहते हैं कि ना जाने कब उनकी अनैतिक और गैरकानूनी गतिविधियाँ सभी के सामने आ जाएंगे। कोई ऐसे लोगों का बचा हुआ जीवन कारागार में बीतता है। ऐसे व्यक्तियों के परिजनों को समाज में अपमान सहना पड़ता है। देवियों और स्वजनों, सही भावना और दृढ़ संकल्प के साथ
कोई कार्य किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। हमने देखा है कि कुछ लोगों द्वारा अस्वच्छता को हमारे देश की नियति मान लिया गया था, लेकिन सशक्त नेतृत्व, राजनीतिक इच्छा शक्ति और नागरिकों के योगदान से स्वच्छता के क्षेत्र में सुखद परिणाम आए हैं। ऐसे ही कुछ लोगों द्वारा भ्रष्टाचार के उन्मूलन को असाध्य मान लेना एक निराशावादी दृष्टिकोण है जो उचित नहीं है। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कल्याणकारी सहायता के वितरण में पारदर्शिता आई है, सार्वजनिक खरीद में ई टेंडरिंग का कार्यान्वयन किया गया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत किए हैं, एक प्रोबिटी पोर्टल संचालित किया गया है। वर्ष 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को संशोधित किया गया है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लागू किया है। पिछले इस 10 वर्षों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत सरकार ने $12 बिलियन से अधिक की संपत्तियां जब्त की है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति से भ्रष्टाचार जोर से समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति का कार्य भी देश की स्वच्छता के अभियान का ही एक रूप है। देवियों और सज्जनों, भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्रवाई में दूरी या कमजोर कार्रवाई से अनैतिक व्यक्तियों को हौसला मिलता है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि हर कार्य और व्यक्ति को संदेश की दृष्टि से ना देखा जाए, हमें इससे बचाना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित ना हो। किसी भी कार्रवाई का उद्देश्य समाज में न्याय और समता व्याप्ति करना होना चाहिए। प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार श्री सुदर्शन जी की एक कहानी है, हार की जीत, जो स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। इस कहानी में बाबा भारती नाम के एक सज्जन व्यक्ति के घोड़े को एक डाकू गरीब भिखारी के भेष में धोखेबाजी करके ले भागता है। बाबा भारती उस डाकू से विनती करते हैं कि वो इस घोड़ा की चर्चा ना करें, क्योंकि लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती की ये बात याद करके डाकू का हृदय परिवर्तन होता है और वो घोड़ा वापस कर देता है। आप में से बहुत से लोग इस कहानी से परिचित होंगे। भारतीय मानस के हिंदी शाश्वत मूल्यों के कारण गलत व्यक्ति भी सही राह पर आने की कोशिश करता है। CBC की जिम्मेदारियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये संस्थान इस जिम्मेदारियों को बेखूबी निभा रहा है। जिनके जन्मदिन पर विजिलेंस अवेयरनेस सप्ताह मनाया जाता है, उन सरदार पटेल का जीवन एक अनुपम आदर्श था। वे सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, सदाचार, संयम और दृढ़ता के प्रतीक हैं। आइए एक बार फिर हम ये संकल्प लें कि भ्रष्टाचार के संपूर्ण उन्मूलन कर भारत को समग्र रूप से श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी आपके प्रेरणादायक विचारों के लिए।